करना शुरू कर देना चाहिए। क्रिप्टो के अंदर कोई भी अगर हाइप वाला प्रोजेक्ट आता है तो फिर उसको आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अभी जो इसकी कम्युनिटी है भैया बहुत बड़ी बन चुकी है, तो इसकी कम्युनिटी को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया हाँ एक्सचेंजेस भी इसको कहीं ना कहीं लिस्ट कराने के ऊपर आ सकते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ जो हमारा दूसरा सवाल है वो यही है कि भैया क्या इसकी लिस्टिंग पॉसिबल है। देखो इसकी कम्युनिटी क्या क्या, आप देखो ट्विटर पे ही अकेले इसके 8.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और टेलीग्राम पर तो भैया क्या ही बोलूं, टेलीग्राम पर तो इसके इतने सारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं कि पहले पहले कभी भी इतने बड़े सब्सक्राइबर बेस में कोई चैनल देखने को नहीं मिला। देखो क्रिप्टो स्पेस के अंदर अगर आप एक्टिव हो, नहीं भी हो तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई इतने सब्सक्राइबर होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है उनके भी इतने सब्सक्राइबर नहीं होते, तो आपको बिल्कुल भी इस प्रोजेक्ट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ इसकी जो लिस्टिंग है वो थोड़ी सी मुश्किल हो चुकी है क्योंकि इतने सारे नंबर ऑफ जो यूजर्स है वो इसके बढ़ चुके हैं। तो 2 जुलाई की जो डेट अभी बताई जा रही है मेरे अकॉर्डिंग वो शायद डिले भी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ यूजर इनके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा इनके हो चुके हैं। और तीसरी बात जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि भैया इसकी प्राइस प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए और आपको क्यों इसके अंदर धोखा मिल सकता है, क्यों आप इसके जाल में फंस सकते हैं वो आपको बताता हूँ। देखो टेलीग्राम के ऊपर अगर आपने इसको ज्वाइन करके रखा है तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ब्रोकर वगैरह नाम के लोग मिलेंगे जो कि आपको हैमस्टर कॉन्टैक्ट दिलाने के नाम पे या फिर आपको सेल करवाने के नाम पे आपके साथ ठगी कर सकते हैं। तो आप ये बात का ध्यान रखना कि बिना ऑफिशियल लिस्टिंग के अगर कोई भी आपको टेलीग्राम पर, ये मैं इसके बारे में नहीं कह रहा, अगर आप कोई भी बड़े टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखे हो ना कभी ना कभी आपको किसी ना किसी ब्रोकर का मैसेज तो आया ही होगा कि भैया हम पाई को सेल करवा देंगे, हम कैप्चर को सेल करवा देंगे, हम इसको सेल करवा देंगे वगैरह वगैरह। तो अगर डायरेक्टली किसी का भी डीएम आपको देखने को मिलता है उनके झांसे में नहीं फंसना है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में। एक नोटकॉइन जब लिस्ट हुआ था ना उसकी लिस्टिंग प्राइस आप देख सकते हो लगभग 1 रुपए के आसपास की थी, 80-85 पैसे के आसपास थी। अभी जो नोटकॉइन की करंट प्राइस है वो 1.32 रुपीज के आसपास चल रही है। मैं आपको सिंपल सा एक ही बात कहना चाहूंगा, अभी जो आपको ये हैमस्टर की प्राइस देखने को मिल रही है कहीं पर 29 सेंट, कहीं पर आपको 22 रुपए बताया जा रहा है, कहीं पर आपको 1 रुपए बताया जा रहा है, आप खुद दिमाग लगा के देखिए कि लोगों ने 100 मिलियन, किसी ने 200 मिलियन, तो किसी ने 1 बिलियन से ज्यादा हैमस्टर टोकन जो है वो माइन कर लिए है। अगर इसकी एक की प्राइस इतनी होती है तो आप मल्टीप्लाई कर लो क्या आपको इतना पैसा मिल सकता है। चलो नोटकॉइन की बात करें, नोटकॉइन ने जब अपना एयरड्रॉप दिया था तो 1000 नोटकॉइन जिन्होंने माइन करे थे उसके ऊपर उनको 1 नोटकॉइन मिला था। इसी तरीके से आपने अगर 1 बिलियन टोकन माइन करे होंगे और अगर इसी तरीके से ये एयरड्रॉप करते तो भैया आप तो करोड़पति बन जाओगे और आप ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग करोड़पति बन जाएंगे। तो मैं घुमा फिरा की बात नहीं कहना चाहूंगा, मेरा जितना एक्सपीरियंस है क्रिप्टो के अंदर वैसे प्रोजेक्ट को लेकर भैया इसकी जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं आधे पैसे 1 पैसे इससे ज्यादा नहीं होने वाली है। ये बात आज आप नोट करके रख लेना, कहीं ना कहीं आपको जो लोग 22 रुपए, $1 या फिर $1.5, पता नहीं कितने डॉलर, $20 इतना बता रहे तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। मार्केट कैप नाम की भी चीज होती है। तो आप ये मान के चलो कि हाँ मेरे पास ये फ्री का कोई प्रोजेक्ट आया है, इसको मुझे माइन करना है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि लोग आपको इससे बहुत ज्यादा आशाएं जोड़ रहे हैं, आपकी बहुत ज्यादा होप इससे जुड़ी हुई है। कल ना अगर इसकी लिस्टिंग वगैरह डिले होती है तो आपको बहुत तकलीफ होगी। और ये चीज मैं मेरे अक्सर मेल्स वगैरह में देखता रहता हूँ कि भैया इसके बारे में बताओ, अभी तक लिस्टिंग नहीं हुई है वगैरह वगैरह। तो इतनी ज्यादा होप बना के भी आप मत रखो, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आप माइनिंग कंटिन्यू रखो। और इसकी जो प्राइस प्रेडिक्शन थी वो मैंने आपको बताई दी कि भैया इसकी जो प्राइस प्रेडिक्शन है ये जितने भी प्री लिस्टिंग के अंदर आपको देखने को मिल रही है एक की भी मैचिंग प्राइस नहीं होगी, ये मेरे से लिख के ले लो। इनकी जो प्राइस है वो आपको चंद पैसों के अंदर देखने को मिलेगी।